गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सबका स्वागत है। आज 12 जून है और आज के दिन 2002 में सबसे पहला जो है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया गया था। इसका प्रारंभ करने से पहले मैं हमेशा अपने राष्ट्र के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए प्रारंभ करते हैं राष्ट्रगान से। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम, सौभ्रजोत्स्ना उल्लिखित यामिनी फुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनी सुभासिनी सुमधुर भासिनी सुखदा वरदा मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। थैंक यू बच्चों, आपको थोड़ा सा इतिहास की तरफ ले जाना चाहूँगा। बहुत सारे बच्चे वो हैं जो प्लस वन में उनका इतिहास सब्जेक्ट है और प्लस टू में भी प्लस वन से होकर आए हैं, तो आपको मालूम है कि सबसे पहले जो इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ था वो अपने चरम सीमा के ऊपर 17वीं शताब्दी 18वीं शताब्दी में था, इंग्लैंड जैसे देशों में जो आज विकसित देशों की श्रेणी में है। तो वहाँ पर उस समय जो है बच्चों से भी काम लिया जाता। आपको हैरानी होगी कि छोटे छोटे बच्चों को भी जो है जंजीरों से बांधा जाता था, मशीनों के साथ उनसे काम लिया जाता था। उनकी दुर्दशा को देखकर ही जो है सर्वप्रथम ऑर्गेनाइजेशन बनी थी 1919 ईस्वी में, जिसे ILO नाम से जो है जाना जाता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है। और उस समय 187 देश इसमें शामिल हुए थे। तो इन्हीं के प्रयासों से जो है वो 2002 में जो सर्वप्रथम जो है ये दिवस सेलिब्रेट करना शुरू किया गया। और आपके नॉलेज में ये जरूर बता दूं बच्चों कि आज भी विश्व में, पूरे विश्व की बात मैं कर रहा हूँ, आंकड़ा रख रहा हूँ, लगभग जो है 16 करोड़ के करीब बच्चे जो है वो लेबर का काम करते हैं। मैं भारतवर्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपका महाद्वीप, अफ्रीका जो महाद्वीप है जहाँ पर सबसे जो है गरीब लोग रहते हैं, वहाँ पर आज भी बच्चों से काम लिया जाता है और भारतवर्ष में भी लिया जाता है। लेकिन भारत की बात करें, भारत का जो आंकड़ा है वो बोलता है कि अभी जो 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनकी जो संख्या है वो लगभग जो है 26 करोड़ बैठती है। तो 26 करोड़ में लगभग 1 करोड़ बच्चे वो हैं जिनसे लेबर का काम भारतवर्ष में भी लिया जा रहा है। संविधान की बात करें उसमें अनुच्छेद 23 और 24 याद रखना है, अनुच्छेद 23 और 24 जो है के अनुसार जो है ऐसे लोग जो बच्चों से काम करवाते हैं उनके लिए जो है वह सजा का प्रावधान है, तो कोई नहीं कर सकता है। और भारतवर्ष की बात करते हैं तो सर्वप्रथम आपको याद होगा मनरेगा 2005 में जब शुरू किया गया था उसका कारण क्या था कि बहुत सारे गरीब लोग जिनको नौकरियां नहीं मिलती है तो उनको गांव में ही नौकरियां देने का प्रबंध जो है सरकार ने उठाया, ताकि वो अपने बच्चों से लेबर का काम ना करवाए, खुद कमाए और बच्चों को जो है पैसे दे, फीस दे स्कूल में जाने के लिए। इसी संदर्भ में शिक्षा का अधिकार जो नियम बना था 2009 का, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, वो भी इसी से संबंधित था। और जो बीच में खाना देते हैं बच्चों को वो भी इसी से संबंधित है। तो ये सारी चीजें जो है सरकार की तरफ से हो रही है। जरूरत क्या है कि जागरूक होने की, आप बच्चे हैं कि आपके आसपास पड़ोस में क्या ऐसा कोई काम हो रहा है जहां बच्चे को जो है तरीके बदल गए हैं, कि जैसे अडॉप्शन की कर ली जाता है, अमीर आदमी क्या करता है बच्चों को अडॉप्ट कर लेता है, गरीब आदमी के बच्चे को उसको स्कूल भी भेजता है, लेकिन शाम को जब वो आता है तो उससे काम करवाया जाता है। तो ये भी एक इसी का ही एक जो है एग्जाम्पल है। तो आपके यहाँ वहाँ कहीं भी अगर ऐसा हो तो आप जरूर हमें जो है बताएं। तो जैसे कि आप लोगों ने मुझे बताया कि सर हमने कुछ पेंटिंग्स बनाई है, या फिर कोई बोलना चाहता है, या कोई जो है पोइम्स करना चाहते हो, हमारे बीच में आपके NSS के प्रभारी जो है मैम आदिति भी हैं और उनकी तरफ से भी आता है कि उनका बेटा जो इसमें शामिल होना चाहता है। तो मैं चाहता हूँ, क्योंकि वो सबसे छोटा है तो बच्चे बड़े होते हैं कि वो ज़्यादा टाइम तक जो है नहीं बैठ पाते हैं, तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले अदिति मैम कुछ कहें और उसके बाद अपने बेटे को इंट्रोडक्शन दे बच्चों को, और फिर जो उसने बनाया उसके बारे में जरूर कहें। प्लीज़ अदिति मैम, आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। चाइल्ड लेबर डे जो मेन है हमारा वो यही है कि हम अवेयर करें
अपने आसपास जो भी बच्चे हम देख रहे हैं कि वो कोई हम देखते हैं कि वो सड़कों पे काम कर रहे हैं अपने पेरेंट्स के साथ, या कोई ढाबों में कोई होटल्स में काम कर रहे हैं, तो हम उन्हें कहें कि ये उम्र काम की नहीं, ये स्कूल जाने की है। और उनके पेरेंट्स को भी अवेयर करें, जैसे लेबर वो अपने आप भी काम करते हैं लेबर को, और बच्चों को भी साथ में वो कर रहे हैं कि वो उनसे भी वो कमाई करा रहे हैं, तो उन्हें भी अवेयर करें कि ये जो उनको पढ़ाएंगे तो वो उनकी लाइफ भी और बच्चे की लाइफ भी और बेहतर बना सकते हैं। एजुकेशन ही एक माध्यम है जिंदगी को अच्छा बनाने का। और मैंने अपने बेटे से भी कहा जो इस पे ड्राइंग बनाने के लिए, मेरा बेटा है आरव जो थर्ड क्लास में पढ़ता है। आरव वेलकम आरब, आरब बोलो जरा, पेंटिंग बताओ जरा, शाबाश ऊपर किए पहले, फिर हम आपका चेहरा देखेंगे। देखिए क्या लिखा है इसमें आरब। बोलो क्या लिखा है इस एंड पे? लिखा है इसने, डोंट गिव देम टूल, दे नीड स्कूल। वेरी गुड। इसने अर्णव से एक बात टूल्स करूंगा। का ये चाहे स्कूल जब उनकी उम्र स्कूल जाने की हो। बोलो अर्णव बेटा। अर्णव को बताया कि ऐसा, अर्णव आपको मालूम है कि ऐसा भारतवर्ष में अभी भी होता है कि बच्चों को काम करवाया जाता है, आपको मालूम है? यस कैसा? हाँ, मान लो अगर आपको स्कूल ना भेजकर कोई काम पे लगाया जाए तो आपको अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा अर्णव? पूरा सर बहुत बुरा लगेगा ना। तो बहुत। थैंक यू, आपने जो आज हमें जो पेंटिंग बताई उसमें आपका पार्टिसिपेशन होना बहुत जरूरी है, छोटे बच्चे क्या सोचते हैं। तो थैंक यू, पेंटिंग शाबाश, बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई है आपने। थैंक यू अर्णव, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक चीज मैं बताना भूल गया बच्चों, आपके लिए ये बहुत जरूरी है जानना कि इस बार का, क्योंकि हर साल जो है थीम बदलता रहता है, तो इस बार का जो थीम है वो है यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन टू चाइल्ड लेबर, मतलब बाल श्रम को समाप्त करने के लिए जो सार्वभौमिक सामाजिक संरक्षण है वो मिलना चाहिए, लोगों को संरक्षण करना चाहिए कि लेबर ना हो, उसके लिए लोग ही जागरूक बने, तो उसके लिए संस्था ने ये थीम इस बार का दिया है। तो सबसे पहले मैं शायद हमारे बीच में अनन्या है, यस अनन्या प्लीज, अगर आप हैं तो प्लीज अपनी पेंटिंग को बताएं। नमस्कार, मैं अनन्या बाल श्रम दिवस पर कुछ कहना चाहती हूँ। बाल श्रम मुख्य रूप से छोटे बच्चों को मानसिक श्रम करने के लिए मजबूर करने की अमानवीय प्रथा को संदर्भित करता है, जिससे उन्हें शिक्षा, समग्र और शारीरिक और मानसिक विकास से वर्णित किया जाता है। बाल श्रम इससे बच्चों का भविष्य तो खराब होता ही है, साथ में देश में गरीबी फैलती है और देश के विकास में बाधाएं आती है। बाल श्रम भारत के साथ साथ सभी देशों में गैर कानूनी है। बाल श्रम हमारे समाज के लिए एक कलंक बन चुका है। बाल मजदूरी की समस्या समय के साथ बहुत उग्र रूप लेती जा रही है, इसलिए बाल श्रम रोकने के लिए संकल्प लेते हैं। धन्यवाद। थैंक यू अनन्या, बहुत अच्छी बात करी आपने कि हम जो है वो इस तरह की शपथ लेते हैं कि ना ऐसा कभी करेंगे और ना ही किसी दूसरे को ऐसा करने देंगे। तो अपने आप में बहुत बड़ी बात कही अनन्या आपने, थैंक यू वेरी मच अनन्या। इसके बाद जो है मैं नीतिका, अगर हमारे बीच में है नीतिका, यस नीतिका। मैं बाल श्रम दिवस पर दो शब्द कहना चाहती हूँ। बाल श्रम गरीबी को कम नहीं करता, बल्कि गरीबी और बढ़ाता है। श्रम रोजगार नहीं देता, वयस्कों की बेरोजगारी बढ़ाता है। बाल श्रम नियोजकों की दया नहीं, सस्ता श्रम और शोषण की देन है। इसलिए आज हम सभी को बाल श्रम रोकने के लिए संकल्प लेना है। धन्यवाद। थैंक यू नीतिका। हाँ, ये जिग्नेश हैं जो अपनी जो बनाई हुई हाथ से पिक्चर्स को बता रहे हैं, और इसमें कुछ ये जो बताना है वो शायद जिग्नेश ही बता पाएंगे बेहतर से कि वो क्या बताना चाहते हैं। यस जिग्नेश प्लीज बोलिए। यस जिग्नेश बताइए। सर, जो जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें एक बच्चा काम कर रहा है, जी और जो राइट हैंड साइड है उसमें बच्चा पढ़ रहा है, राइट, ठीक है, वहां पे आपको टाइम नहीं मिला शायद। यस और वर्ल्ड को दो भागों में बांट दिया गया है, इस कारण भाई एक साइड में मजदूरी है और एक साइड में किताब पढ़ाई है। ठीक है ठीक है ठीक है, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि
वर्ल्ड में दो तरह के बच्चे हैं, एक जो पढ़ाई कर रहा है और एक तरफ जो गरीब बच्चे हैं वो जो लेबर का काम कर रहे हैं, तो ऐसा जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, ये आपका कहना है। तो थैंक यू जिग्नेश, आपने जो मैसेज दिया है वो सभी समझते हैं कि सचमुच अगर सोसाइटी में ऐसा काम हो रहा है तो किसी वजह से कारण केवल एक कि एक बच्चा जो है गरीब है, सिर्फ गरीबी में पलना उसका जो है दुर्भाग्य माना जा रहा है और उसको जितना एक्सप्लॉइट हो सके कर रहे हैं सोसाइटी और अपना फायदा मुनाफा कमाया जा रहा है। तो ऐसा देखने में ही जब हमें हम पढ़ रहे लिख रहे हैं तो अगर हमें ही पता लग रहा है कि गलत हो रहा है तो सचमुच ये जरूरी है कि हम समझ करें और ऐसे कार्य ना करें कभी भी जिंदगी में। हम चाहे जितने भी अमीर बन जाएं लेकिन कभी भी शपथ लीजिए कि कभी भी ऐसा कार्य ना करें। सोचिए एक बच्चा, छोटा सा बच्चा जिसे काम लेना है और उसके दम पे आपने जो अमीर होना है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो थैंक यू जिग्नेश एक बार फिर से। तो हमारे बीच में अंजलि भी है जो पोईम लेकर आई है। तो अंजलि प्लीज, क्योंकि आपकी वीडियो तो नहीं आ रही है, हम आपको नहीं देख पा रहे हैं कनेक्शन की वजह से, इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से, तो आप जो है ऑडियो में ही अपना जो बोलना चाहते हैं पोईम्स वो बोलें, सुनाए। वेलकम आपका अंजलि। यस सर। लिए दर्द आंखों से पूछा उससे मुझसे जरूर, क्यों होता है हमेशा हमारे साथ ही यूं, क्यों नसीब हमेशा ही रूठता रहता है। सच ही तो कहता है बापू, यह अमीरों के घर में रहता है। क्या हुआ बाल मजदूर हूँ मैं, मन तो मेरा भी खेलने पढ़ने को करे, जी बदनसीबी से लड़ने को करे। मिले रब तो पूछ उससे, ऐसी क्या भूल मुझसे हुई, ऐसा क्या किया मैंने कसूर, क्यों मुझसे खुशी दूर हुई। है जो हम उम्र मेरे, उनकी सेवा करने को क्यों हूँ मैं मजबूर। वे उठे सुबह स्कूल जाने के लिए, मैं उठूँ उनका खाना बनाने के लिए। क्या मैं इतना बदतर हूँ जानवर से भी, जलता रहूँ पेट की आग बुझाने के लिए। मेरी पहचान मेरे बावजूद की कीमत कुछ भी नहीं, लिया जन्म बस मालिक के नाज उठाने के लिए। मिलती है पगार महीने मफाने पर, जो छीन ले जाए वह भी बापू। कभी मैं खाने के लिए, कभी लॉटरी पाने के लिए, करते हैं शोषण हमारा जो समाज, सुधारक भी उपदेश जो देते हैं बस जमाने के लिए। थैंक यू सर। शाबाश अंजलि, मेरे को तो मालूम ही नहीं था हमारे बच्चे में ऐसे भी एक टैलेंट है जो इतनी अच्छी पोईम बोलेगी तरीके से और अपने पूरे सेंटिमेंट्स के साथ, क्योंकि आज की डेट में शब्द बहुतों के पास है लेकिन पूरे सेंटिमेंट्स के साथ कोई बोलना चाहता है दिल से, तो आपने ये कर दिखाया अंजलि। और शायद ये पूरा हिमाचल देखेगा कि सचमुच इन भावों को जानना बहुत जरूरी है कि हम जो कह रहे हैं उनमें सचमुच वो भावनाएं हैं। सोचिए जरा, एक बच्चे के ने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है शब्दों से, तो उसको आपने व्यक्त किया वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अंजलि थैंक यू आपका। और लास्ट में जाते हुए मैं सिर्फ जो है आपको एक छोटे से बच्चे की कहानी सुनाऊंगा। ये आपके ही बुक में, हिस्ट्री के ही किताब में जो है दास प्रथा में आता है। अलाउदोहो जो है एक नाइजीरिया का बच्चा होता है, छोटा सा बच्चा है जो और बच्चों की तरह जो छोटा है खेल रहा होता है, तभी अचानक उनके घर में जो है 10-12 लोग आते हैं, अमीर लोग हैं, और एकदम से उनको भाई बहन को पकड़ते हैं और कोई आगे उनको छुड़ाने नहीं आता है। इवन उनके माता पिता चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, लेकिन वो उनको पकड़ कर ले जा रहे हैं और उनको मालूम ही नहीं होता कि ये हो क्या रहा है, उनके साथ जो है क्या हो रहा है। तो जब वो ले जा रहे होते हैं, चिल्ला रहा होता है मम्मा को, डैडी को, गांव वालों को, और कोई साथ नहीं होते, सभी देख रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं, तो उसको ले जाते हैं। और लगभग जो है 5-6 महीने जब तक वो अफ्रीका में ही होते हैं, तो जो वहाँ के जो मालिक हैं, जो अमीर लोग हैं, उसको अलग अलग जगह के ऊपर भेजते हैं। और लास्ट में जाकर जो है कुछ महीने के बाद उसे जो है जाकर जो है दक्षिण अमेरिका ब्राजील में बेच दिया जाता है। सोचिए जरा, जिसको ले जाया जाता है, जहाज में डाला जाता है और जैसे मुर्गे देखे आपने, मुर्गों की तरह उसे जो है नीचे डाला जाता है। बहुत सारे वो देखता है कि बहुत सारे लोग बीमार हो जाते हैं, मर जाते हैं, कुछ लोग जो है उस तड़फ से अपने आप को बचाने के लिए समुद्र में छलांग लगा देते हैं। सोचिए इतना इतना दुख होता है ये कहानी सुनकर कि बच्चे इन हालातों में ले जाए जाते थे और उनसे जो है काम करवाया जाता था, कहाँ पे, अमेरिका जैसी कंट्रियों में, यूरोपीय जैसी कंट्रियों में, जहां पर आज जो है विश्व के सबसे अमीर जो है लोग जो है शुमार हैं। तो ये देश जो अमीर हुए किस वजह से, इसी के कारण कि जो अफ्रीका के जो लोग थे वो वहां पर अपना श्रम देते रहे बिना किसी
पैसे के, तो उनको कोई अधिकार नहीं थे। तो आप सोच सकते हैं वो बच्चा जो है 21 साल तक उसने जो है वहाँ अपना श्रम दिया, 21 साल जब तक वो युवा हुआ, फिर उसे एक मालिक ने उसकी अच्छाइयों को देखते हुए उसे स्वतंत्र कर दिया, आज़ाद कर दिया। इंग्लैंड में था उन दिनों तब वो। तो उसके बाद उसने पूरा जीवन अपना जो है इसी बाल श्रम के बारे में या दास प्रथा के बारे में जो है उसके विपरीत किया और लोगों को बताया कि कितनी गंदी प्रथा है ये चीज़। तो उसको उखाड़ने में जो है काफ़ी साथ दिया और अब्राहम लिंकन का नाम आपने सुना है, उन्होंने अमेरिका में इस चीज़ को ख़त्म किया। पंछी के आंसू से पूछो, खिलते हुए कलियों को देखो, जिंदगी का इनको है ये गम। बहते हुए आंसू में बचपन, बढ़ती जिंदगी अंधेरापन, आंधी तूफान आवारापन। दिल की धड़कनों की ये है पुकार, सुनेगी क्या वो ये दुनिया। दिल की धड़कनों की ये है पुकार, सुनेगी क्या वो ये दुनिया। से विदा लेते हैं, लेकिन अंतिम जो शब्द रहेंगे वो आपके मैम कह रहेंगे, आदिति मैम के। मैं आखिरी में यही कहूंगी कि बच्चों ने बहुत ही अच्छा सराहनीय, उन्होंने पेंटिंग्स पॉइंट्स जो भी पेश किया, पार्टिसिपेट किया, दैट्स रियली अप्रिशिएटिंग एंड थैंक यू टू एवरीवन जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, सुना, पार्टिसिपेट नहीं भी किया तब भी सुना, ज्वाइन किया, सुना और मतलब पूरा अपना वक्त दिया बनाने पेंटिंग्स या पॉइंट्स जो भी बनाने के लिए और इसको सुनने के लिए। थैंक्स टू एवरीवन। और मुझे भी आप सबका धन्यवाद करना है क्योंकि आप लोग ना होते तो हमारा ये छोटी सी जो कोशिश आज पहली बार हुई है वो शायद सफल ना होती, तो आप लोगों ने ही इसे सफल बनाया। सभी को आपका दिन जो अभी बचा है वो अच्छा निकले, बढ़िया निकले। इसी के साथ विदा लेते हैं सभी को, बाय बाय, ख्याल रखना सभी, थैंक यू।